बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और ऐसे में बच्चों की डिमांड होती हैं कुछ स्पेशल खाने की। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही दो स्पेशल शेक लेकर आई हूँ जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और हर बच्चे का ये फेवरेट होते हैं। तो हे एवरीवन, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट शेक। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट शेक। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर चॉकलेट शेक बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 ग्लास ठंडा दूध, एकदम चिल्ड दूध यहाँ पर मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 स्कूप भर के यहाँ पर डाल दूँगी चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि चॉकलेट शेक बना रहे हैं तो हर चीज़ चॉकलेटी ही होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कोको पाउडर, तो 1/2 टेबल स्पून में यहाँ पर कोको पाउडर डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा शेक में। उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी यहाँ पर चॉकलेट सिरप, तो यहाँ पर अच्छे से हम चॉकलेट सिरप डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर हमें चॉकलेट सिरप डालना है और इतनी चीज़ों को डालना है बस। और काफ़ी और चीज़ें हमें अभी नहीं ऐड करनी है। चीनी मैंने यहाँ पर नहीं डाली क्योंकि आइसक्रीम में भी शुगर होती है और चॉकलेट सिरप में भी शुगर होती है, तो यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालना भूल गई थी, तो बस इसको थोड़ा चलाने के बाद यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब्स और डाल देते हैं जिससे थोड़ा और ठंडा हो जाए और हमारा एकदम बढ़िया चिल्ड बनकर हमारा चॉकलेट शेक बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार और इसको ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छे से हमारा चॉकलेट शेक बनकर रेडी है जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे सिंपल तो बच्चों को पसंद आता नहीं है, तो ग्लास को थोड़ा डेकोरेट भी कर देते हैं जिससे बच्चों को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करें। तो यहाँ पर ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इस पर 1 स्कूप यहाँ पर हल्की सी मैंने डाल दी है चॉकलेट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट थी इसलिए वो थोड़ी अंदर चली गई। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कोको पाउडर, हल्का सा स्प्रिंकल किया था बस मैंने। उसके बाद ऊपर बस चॉकलेट सिरप से हम यहाँ पर गार्निश कर देंगे। अब बहुत ही बढ़िया हमारा चॉकलेट शेक बनकर बिल्कुल रेडी है जो तो सब बच्चों को पसंद आएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बना रही हूँ मैं ओरियो मिल्क शेक, जो कि ये भी बच्चों का फेवरेट होता है और हर बच्चे को पसंद होता है। तो ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 ग्लास ठंडा एकदम चिल्ड दूध लिया है, वो डाल दिया है। उसके बाद 4 से 5 हमें ओरियो बिस्किट डालने हैं, तो आप कोई से भी चॉकलेट वनीला जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी आइस क्यूब ठंडा करने के लिए। उसके बाद हल्का सा डाल देंगे चॉकलेट सिरप जैसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे शेक में, और बस इतनी चीज़ें डालकर हम इसको ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि जो बिस्किट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, अगर आपको डालनी है हल्की बहुत डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर नहीं डाली है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार है ओरियो शेक बनकर। तो उसके बाद हल्का सा और एक ओरियो को इस तरीके से टुकड़े करके ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये देखने में लगता है और पीने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे और यहाँ पर हमारे दोनों ही शेक बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो एक है ओरियो शेक और एक है यहाँ पर हमारा चॉकलेट शेक जो कि दोनों का बच्चों का फेवरेट होता है। बच्चों तो बहाना है, हम लोगों का भी काफ़ी फेवरेट होता है, बट बच्चों के बहाने हम बनाते हैं और इसको इन्जॉय करते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का जब भी कुछ मन करे कुछ ठंडा पीने का, तो आप इन 2 शेक को ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, तो एक बार मैंने कहा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बना है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, दोनों ही शेक मतलब अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। जो भी बच्चों को पसंद हो चॉकलेट ओरियो शेक वही आप बनाकर दे सकते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ इसको इन्जॉय करने और साथ में अपने बेटे को भी देती हूँ क्योंकि उसकी भी समर वेकेशन चल रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका मन होता है कुछ अच्छा खाने का। तो यहाँ पर मैंने उसको चॉकलेट शेक दिया क्योंकि उसको चॉकलेट शेक ज़्यादा पसंद है और पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मतलब मैं उसको ज़्यादा नहीं देती बट कभी कभार मतलब दे देती हूँ जिससे कि वो खुश हो जाता है। तो आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।